बारिश के मौसम में गर्मा गर्म जलेबियाँ खाना किसे पसंद नहीं, और ऐसी जूसी क्रिस्पी जलेबी घर पे इंस्टेंटली बन जाए तो मजा आ जाए। हाय फ्रेंड्स, दिस इज नेहा, वेलकम टू डेजर्ट मसाला, योर प्लेस टू लर्न अमेजिंग रेसिपीज। सो लेट्स गेट रेडी। सबसे पहले हम जलेबी का बैटर बना लेते हैं। उसके लिए एक बाउल में एक कटोरी मैदा और 1/4 कटोरी दही डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और हाथ से ही इसे ऐसे फेंट लेंगे। तो ये मैंने बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। ध्यान रखिए बैटर में लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, नहीं तो जलेबी ऑयल में पाइप करते वक्त टूट जाएगी। अब इसमें 1/4 टीस्पून खाने का सोडा डालेंगे और सोडा एक्टिवेट करने के लिए इसमें 1 टीस्पून पानी डालकर बैटर को फिर से अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि ये सोडा बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी बिना टूटे एक लेस बन रही है। बस इसी कंसिस्टेंसी का हमें अपना बैटर रखना है। इस कंसिस्टेंसी से हमारी जलेबियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यदि बैटर इससे पतला या गाढ़ा होता है तो जलेबियों का शेप और क्रिस्पीनेस ठीक से नहीं आएगा। इन्हें बिल्कुल बाजार जैसा कलर लाने के लिए मैं इसमें 1 चुटकी ऑरेंज कलर और 1 चुटकी येलो कलर डालूंगी। आप यहाँ कलर की जगह हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने कलर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढक के 15 मिनट सेट होने रख देंगे। अब चलते चाशनी बनाने। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात ध्यान में रखिए कि चाशनी बनाने के लिए हमें ऐसा डीप बर्तन ही यूज करना है, ताकि हमें चाशनी में जलेबियाँ डुबाने में आसानी हो। साइमल्टेनियसली हमने एक पैन में जलेबी फ्राई करने के लिए लो फ्लेम पे ऑयल गर्म करने रख दिया है। चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे 2 कटोरी शक्कर और फिर उसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी। हमें चाशनी को तब तक उबालना है जब तक शक्कर पूरी तरह घुल ना जाए। हमारा ऑयल भी थोड़ा गर्म हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ हमें ऑयल पैन के आधे से भी कम लेवल का लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून घी, जो कि अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जिससे जलेबी का टेस्ट और उठ के आएगा। फ्रेंड्स, हमारी चाशनी भी रेडी होते आ रही है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नींबू का रस। इसे डालने से चाशनी में क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। अब हम चाशनी में भी 2 चुटकी ऑरेंज कलर डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने बैटर बनाते वक्त भी कलर डाला था, इससे जलेबी का कलर अच्छे से उठ के आएगा। फ्रेंड्स, ये चाशनी हमें ज्यादा पतली नहीं रखनी है, थोड़ी गाढ़ी ही रखनी है। और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटे हुए इलायची के दाने और इसे मिक्स करके गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। 15 मिनट बाद अपना बैटर रेडी है। अब इसे मैं एक पाइपिंग बैग में डाल दूंगी। यहाँ मैं पाइपिंग बैग का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो रेडीमेड जलेबी बनाने वाली बॉटल या दूध का खाली पैकेट का कोन बना के भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, बैटर को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया और अब इसकी टिप कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको जलेबी पतली मोटी जैसी पसंद है, उस हिसाब से आप इसकी टिप कट कर लीजिए। अब चलते जलेबियां तलने। फ्रेंड्स, परफेक्टली जलेबियाँ तलने के लिए तेल का अच्छे से गर्म होना बहुत जरूरी है। तेल अच्छे से गर्म है या नहीं चेक करने के लिए पहले हम इसमें एक छोटी सी जलेबी डाल के देखते हैं। आप देख सकते हैं जलेबी डालने पर तुरंत ऊपर नहीं आई, इसका मतलब तेल अभी भी अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। इसे और थोड़ा गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कम गर्म तेल में जलेबी फ्राई करोगे तो आपकी जलेबी चपटी और चुई बनेगी। तेल थोड़ी देर और रखने के बाद अच्छे से गर्म हो गया है। चलिए इसे फिर से चेक करते हैं। आप देख सकते हैं जलेबी डालने के बाद तुरंत ऊपर आ गई। इसका मतलब अब अपना तेल जलेबियां तलने के लिए परफेक्टली गर्म हो गया है। तो चलिए बाकी जलेबियां भी पाइप कर लेते हैं। जलेबी पाइप करने के लिए पाइपिंग बैग को ऐसा सीधा पकड़ के सेंटर से बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेने हैं। अगर आपकी जलेबी का शेप परफेक्ट नहीं आ रहा तो डोंट वरी, वैसे भी जलेबी थोड़ी आड़ी टेढ़ी ही अच्छी लगती है। थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद आपका भी ये शेप परफेक्ट आ जाएगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमें जलेबी पाइप करते वक्त गैस की फ्लेम लो रखनी है और इन्हें फ्राई करते वक्त लो टू मीडियम। जलेबियां ऑयल में थोड़ी सेटल होने के बाद इसे ऐसे सेपरेट करेंगे और 1-1 मिनट के लिए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और दोनों साइड से फ्राई होने के बाद इन्हें तुरंत चाशनी में डाल देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए चम्मच से ऐसे डीप करेंगे।
ये देखिए हमने इसे अच्छे से चाशनी में डिप कर लिया। अब इन्हें एक बर्तन में सेपरेट करके रख देंगे। सिमिलरली बाकी जलेबी अभी हम सेम प्रोसेस से बना लेंगे। फ्रेंड्स हमें यहाँ एक टाइम पे सिर्फ 3 या 4 ही जलेबियाँ फ्राई करनी है, नहीं तो ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाएगा और अपनी जलेबियाँ चपटी बनेगी। जलेबी बनाना वैसे तो बहुत इजी है, बस हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि जलेबी तलते वक्त ऑयल अच्छे से गर्म होना बहुत जरूरी है। जब 2-3 बार तलने के बाद ऑयल थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो जाए तब 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम ऑफ कर दे और जलेबियाँ चाशनी में डिप करते वक्त चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करोगे तो आपकी जलेबी बिल्कुल हलवाई की दुकान जैसी मस्त जूसी और कुरकुरी बनेगी। तो लीजिए अपनी सारी जलेबियाँ बनके रेडी है। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितनी जूसी बनी है और क्रिस्पी भी। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर जलेबी तलते वक्त तेल अच्छे से गर्म नहीं है तो हमारी जलेबी ऐसी चपटी और सॉफ्ट बनेगी। और जो ये बची हुई चाशनी है आप इसे फेंकिए मत, इसमें आटा डाल के आप इसका हलवा या पैनकेक्स बना के खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग रेसिपीज़।